हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, आज का टॉपिक है हेल्थ एजुकेशन के अंतर्गत रोग यानी डिजीज, जिसमें विटामिन्स, मिनरल्स एंड बैलेंस डाइट से होने वाले रोग एंड बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगल्स आदि से होने वाले रोगों के बारे में सभी प्रकार के डाउट आज इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद रोगों से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस पूछेगा, आप उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, मेरे चैनल पे सभी प्रकार के वीडियोज है। सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी टॉपिक का थ्योरी सेशन एक एक करके दिया हुआ है। चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, सभी चीजें चेकआउट कीजिए और प्रिपरेशन कीजिए। मैंने डीपली अध्ययन कराया हुआ है दोस्तों, आप देख सकती है जितने भी एग्जाम हुए हैं, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मेरा पढ़ाया हुआ नहीं आया था। तो बस आपको मन से प्रिपरेशन करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का यदि प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है। एंड मैंने बीपीएससी टीआरई 2 के लिए 80 से 85 वीडियो में प्रैक्टिस कराया हुआ है एमसीक्यू के माध्यम से, हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो उन सारे वीडियोज का फिर से आप प्रैक्टिस कर लीजिए, चाहे किसी भी कंपटीशन एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों, चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। आज का क्वेश्चन है रोगों से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों, परनिसस एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है? तो दोस्तों, यह विटामिन B12 की कमी से होता है, परनिसस एनीमिया। विटामिन B12 का वैज्ञानिक नाम है साइनोकोबाल्मिन, ठीक है। एकमात्र ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट धातु सहयोगी तत्वों के रूप में पाया जाता है, तो वो है विटामिन B12। विटामिन B12 जो है रक्त निर्माण में विशेष सहयोग करता है। एंड विटामिन B12 जो है डीएनए के संश्लेषण में भी सहयोग करता है। विटामिन B12 की कमी से परनिसस एनीमिया नामक रोग होता है। एंड दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, छोटे बच्चों में विटामिन डी की कमी से होने वाली बीमारी क्या है? तो दोस्तों, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है छोटे बच्चों में। जैसे कि आपको पता है विटामिन डी का रासायनिक नाम है या वैज्ञानिक नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी को एंटी रिकेटिक विटामिन, नेचुरल विटामिन, किडनी हार्मोन आदि नामों से जाना जाता है। विटामिन डी में प्रमुख रूप से D2 एंड D3 मुख्य माना जाता है, जिसमें विटामिन D2 को अर्गो कैल्सीफेरॉल एंड विटामिन D3 को कोले कैल्सीफेरॉल कहा जाता है। विटामिन B2 यानी कि कोल अर्गो कैल्सीफेरॉल से बच्चों में D2 यानी अर्गो कैल्सीफेरॉल से टिटेनी नामक रोग हो जाता है, टिटेनी यानी अस्थियों में ऐठन। अब विटामिन D3 जिसे कोले कैल्सीफेरॉल कहते हैं, उससे बच्चों में रिकेट्स रोग हो जाता है और वयस्कों यानी कि बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया जिसे मृदुलास्थि यानी कोमल अस्थि रोग और ऑस्टियोपोरोसिस एंड टाइप 2 डायबिटीज आदि वयस्कों में हो जाता है। जो D3 है वो सूर्य की सीधी किरणों से प्राप्त होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा जल प्रदूषक हैजा जैसी जलजन्य बीमारियों का स्रोत होता है? तो दोस्तों, गंदा पानी जो है वह बहुत सारे बीमारियों का कारण होता है, जैसे हैजा, टाइफाइड, ये सभी गंदा पानी अदूषित भोजन से फैलता है। नेक्स्ट दोस्तों, अधिशेष मात्रा में विटामिन सी के कारण होने वाली डिसऑर्डर हाइपर विटामिन्स बीमारी का लक्षण क्या है? तो दोस्तों, कोई भी चीज आप अधिक मात्रा में लेंगे तो उसका हानिकारक प्रभाव ही होता है। तो विटामिन सी को अधिक मात्रा में लेने से डिसऑर्डर हाइपर विटामिन्स बीमारी होता है, जिसका लक्षण होता है मूत्राशय यानी यूरिनरी ट्रेट में पथरी बन जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि ज्यादा मात्रा में विटामिन सी जो है खाने से वह शरीर से बाहर यूरिन के साथ निकल जाता है, यानी कि जो आपके शरीर में जितनी आवश्यकता है, जैसा कि कोई भी एक्सेस मात्रा में नहीं लेता है, किसी को कोई अपने जितना जरूरत है उतना ही नहीं ले रहा है, तो एक्सेस यानी ज्यादा मात्रा में कहाँ से लेगा। बट यदि आप ज्यादा मात्रा में लेते हैं तो वह हाइपर विटामिन बीमारी का रोग हो जाता है। और विटामिन हमारे शरीर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जैसा कि
विटामिन्स हमें ऊर्जा नहीं देते बल्कि ऊर्जा देने वाले पदार्थों के मेटाबॉलिज्म में पचाने में मदद करते हैं और शरीर को इम्यून सिस्टम प्रदान करते हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं भोज्य पदार्थों को कार्य के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, ऊर्जा देने वाले, शरीर का निर्माण करने वाले और शरीर की रक्षा करने वाले। ऊर्जा देने वाले कार्बोहाइड्रेट एंड वसा होता है एंड शरीर का निर्माण टूट फूट का मरम्मत करने वाले प्रोटीन होता है और शरीर का रक्षा करने वाले होते हैं विटामिन एंड मिनरल्स यानी कि खनिज लवण। नेक्स्ट दोस्तों, किस संक्रामक रोग को हेंसेस डिजीज के कहा जाता है? तो हेंसेस रोग किस संक्रामक रोग को कहा जाता है? तो दोस्तों कुष्ठ रोग को, जिसे लेप्रोसी कहा जाता है इंग्लिश में, कुष्ठ रोग यानी लेप्रोसी, जिसे हेंसेस डिजीज यानी हेंसेस रोग कहा जाता है, जो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नामक बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूबेला शब्द का मतलब क्या होता है? दोस्तों रूबेला जो है वो शरीर पर लाल लाल चकते यानी दाने हो जाते हैं, उसे रूबेला कहा जाता है। ठीक है, ये दोस्तों जो रूबेला होता है वह खसरा होता है इस प्रकार का, जिसे इंग्लिश में मीजल्स कहते हैं, जो रहिनो वायरस से, जो टोंगा वायरस से होता है, वायरस यानी कि वायरस से फैलने वाला बीमारी है आपका रूबेला यानी कि मीजल्स। एंड नेक्स्ट है दोस्तों कि विटामिन B12 की कमी से किस तरह के भोजन करने वाले व्यक्तियों से संबंधित है? तो दोस्तों जो व्यक्ति शुद्ध शाकाहारी होते हैं उससे संबंधित है। नेक्स्ट है दोस्तों, एथेरोस्क्लेरोसिस का संबंध किससे होता है? तो दोस्तों एथेरोस्क्लेरोसिस का संबंध हृदय समस्या से होता है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछ सकता है कि एथेरोस्क्लेरोसिस का संबंध किससे होता है, इस प्रकार के टेक्निकल वर्ड इस समय पूछे जा रहे हैं। दोस्तों जैसा कि आपको धीमा धीमा दूर से सुनाई देता होगा वीडियो में संगीत, तो इससे मैं माफी चाहती हूँ क्योंकि इसमें मेरा बस नहीं है, क्योंकि किसी अपने आप पर किसी का बस होता है, दूसरे पर नहीं होता है। तो दोस्तों इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, आप ये मत कहिएगा कि हाँ संगीत सुनाई दे रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों, इंटेगुमेंट्री सिस्टम किसमें सहायता करता है? तो इंटेगुमेंट्री सिस्टम जो है वह थर्मोरेगुलेशन प्रक्रिया बनाए रखने में सहायता करता है। तो एक एक लाइन आप अच्छे से पढ़िएगा दोस्तों, आज का जो वीडियो है रोग से रिलेटेड सभी टॉपिक इसमें, सभी पॉइंट इसमें कवर होंगे, बट आपका जो वीडियो है बहुत लंबा हो जाएगा, कम से कम 1.5-2 घंटे का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोरोना यानी COVID-19 के कारण किस देश ने ओलंपिक खेलों का आयोजन स्थगित किया था यानी रोक दिया था? तो आपको पता है टोक्यो जापान ओलंपिक 2020 जो है स्थगित करके 2021 में हुआ था COVID-19 के कारण। नेक्स्ट है, संक्षेप पाचर HIV का अभिप्राय क्या है? तो दोस्तों HIV वायरस के कारण एड्स नामक बीमारी होता है, HIV का फुल फॉर्म होता है इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, जबकि एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट दोस्तों, सीलिएक रोग होता है? तो दोस्तों सीलिएक रोग विटामिन B12 की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट है, बच्चों के जन्म के बाद लगने वाले प्रतिरक्षण टीके का सही अनुक्रम कौन सा है? तो दोस्तों संक्रामक रोगों से रक्षा के लिए जो टीके लगता है बच्चों के जन्म के बाद, उसका है सबसे पहले BCG का टीका, TB के लिए लगता है यानी ट्यूबरकुलोसिस रोग के लिए, फिर खसरे के लिए मीजल्स, फिर OBP1, DPT3 आदि टीका लगता है। नेक्स्ट है, विश्व हेपेटाइटिस दिवस किस दिन मनाया जाता है? पीलिया को हेपेटाइटिस कहा जाता है, तो विश्व हेपेटाइटिस दिवस जो है वो 28 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, हेपेटाइटिस का कौन सा प्रकार जल संक्रामक होता है? तो दोस्तों हेपेटाइटिस की कई प्रकार का होता है, हेपेटाइटिस A, B, C, D, E, जिसमें से जल संक्रामक, जल से संक्रमित होता है आपका हेपेटाइटिस ई। नेक्स्ट है, वयस्कों में विटामिन डी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो अभी मैं जस्ट बताई हूं कि विटामिन डी की
कमी के कारण जो विटामिन डी है, D2 और D3 जो दो प्रकार का है ये, तो D2 जो है अर्गो कैल्सिफेराल बोला जाता है, D2 की कमी से टिटेनी यानी अस्थियों में ऐंठन हो जाता है, और D3 को कोले कैल्सिफेराल बोलते हैं जो सूर्य की सीधी किरणों से प्राप्त होता है। तो D3 यानी कोले कैल्सिफेराल से बच्चों में रिकेट्स यानी सूखा रोग, अस्थियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस, टाइप 2 डायबिटीज होता है। तो यहाँ पे डी की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है वयस्कों में, ऑस्टियोमलेशिया, बच्चों में पूछेगा तो रिकेट्स यानी सूखा रोग। नेक्स्ट है, उस रोग का नाम बताइए जिसका योग अभ्यास द्वारा प्रत्यक्ष रूप से उपचार किया जा सकता है, यानी उस रोग का नाम बताना है जिसका योग अभ्यास के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से उसका उपचार किया जा सकता है, उसका नाम है एलर्जिक राइनाइटिस। ठीक है, एलर्जिक राइनाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस ऐसा रोग है जिसका योग अभ्यास द्वारा प्रत्यक्ष रूप से उपचार किया जा सकता है। वैसे तो योग अभ्यास द्वारा सभी रोगों का उपचार किया जाता है, बट प्रत्यक्ष रूप से एक जो इलाज है वो एलर्जिक राइनाइटिस का किया जाता है। नेक्स्ट है, मधुमेह यानी डायबिटीज के गैर रूपांतरणीय जोखिम कारक क्या हैं? तो दोस्तों आपको पता है कि बढ़ी हुई उम्र, पारिवारिक इतिहास और प्रजाति, यह गैर रूपांतरणीय जोखिम कारक है मधुमेह यानी डायबिटीज के। बट आपको पता है कि जो मधुमेह यानी डायबिटीज है वो हमारे शरीर में जो इंसुलिन हार्मोन होता है, हमारे पैंक्रियाज यानी अग्नाशय के लैंगरहैंस के बीटा कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है, जो इंसुलिन जो है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, और इंसुलिन का यह भी कार्य है जो हमारे कोशिकाओं में वायवीय श्वसन के द्वारा ATP यानी ऊर्जा बनता है, उस ATP को जो इंसुलिन होता है वह ADP प्लस PI में तोड़कर एनर्जी प्रदान करता है। जब हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है तो ये सब प्रक्रिया बाधित हो जाती है, और हमारे रक्त में शर्करा यानी जो ग्लूकोज होता है वह बढ़ जाता है, जिसे डायबिटीज या मधुमेह कहा जाता है। नेक्स्ट है, एड्स या HIV पुष्टि में किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों एड्स की जांच के लिए एलिसा और वेस्टर्न ब्लॉट के टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट है, शारीरिक संरचनात्मक विकृति में कुबड़ क्या है? तो दोस्तों जो हमारा पीठ जो है एक वक्राकार बाहर की तरफ निकल जाता है उसे काइफोसिस या कुबड़ बोला जाता है। नेक्स्ट है, नेत्र शोध बीमारी किससे संबंधित है? तो इसको कहने से ही स्पष्ट है ये आंखों से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, हेपेटाइटिस यानी पीलिया किस रूप को सीरम हेपेटाइटिस कहा जाता था? ठीक है, हेपेटाइटिस के किस रूप को सीरम हेपेटाइटिस कहा जाता था? तो दोस्तों हेपेटाइटिस के कई रूप है, ABCDE। तो यहाँ पे जो हेपेटाइटिस बी है यानी पीलिया को ही हेपेटाइटिस कहते हैं या जॉन्डिस बोला जाता है, इसके कई रूप होते हैं जिसमें जिस हेपेटाइटिस बी को सीरम हेपेटाइटिस कहा जाता है, हेपेटाइटिस बी को सीरम हेपेटाइटिस कहा जाता है। नेक्स्ट है, किस शारीरिक विकृति को यानी किस शारीरिक विकृति को सभी रोगों की जननी कहा जाता है? तो दोस्तों मोटापा यानी कि ओबेसिटी को सभी रोगों की जननी कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हेपेटाइटिस संक्रमण कहाँ होता है? तो दोस्तों हेपेटाइटिस जो है हमारे लीवर को संक्रमित करता है, जब हमारा लीवर अच्छे से कार्य नहीं कर पाता है, हेपेटाइटिस यानी कि जो पीलिया है, जॉन्डिस है, वह वायरस से फैलने वाला रोग है, यह हेपेटाइटिस पिकोना वरीडे प्रकार का है, इसको यकृत शोथ या जॉन्डिस या हेपेटाइटिस या पीलिया आदि नामों से जाना जाता है, यह हमारे यकृत यानी कि लीवर को प्रभावित करता है, इसमें बुखार, थकान, वजन घटना, कमजोरी, पेट दर्द, सिर दर्द, गहरा रंग का यूरिन होता है, भूख न लगना आदि इसके लक्षण होते हैं। ये जो है हमारा शरीर जो है जो अनकंडीशनड यानी कि जो हमारा RBC होता है बहुत ज़्यादा संख्या में मरने लगता है, कहाँ पे जाके मरता है, प्लीहा स्प्लीन में, और उस मरे हुए RBC से जो हमारा लीवर होता है वो पित्तरस का निर्माण करता है, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में पित्तरस का निर्माण होने लगता है तो जो हमारा लीवर होता है वो उसकी क्षमता जो है समाप्त हो जाती है, रक्त में से पित्तरस को, ग्लूबिन को अलग करने की, जिससे रक्त में
जो पित्त रस होता है वो प्रभावित होने लगता है, प्रवाहित होने लगता है और पूरा शरीर पीला पड़ जाता है। इसी को हेपेटाइटिस पीलिया कहते हैं। इसमें हमारा लीवर जो है वो संक्रमित हो जाता है। नेक्स्ट, किस विटामिन को बांझपन या प्रतिरोधक कहा जाता है? तो यह होता है विटामिन ई। विटामिन ई के कारण बांझपन का रोग होता है या नपुंसकता रोग हो जाता है। विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन एंड एंटी स्टेरिलिटी या बांझपन रोधी विटामिन कहा जाता है और विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम है टेकोफिराल। नेक्स्ट दोस्तों, कंठशूल का कारण क्या है? तो कंठशूल का कारण है हृदय मांसपेशियों तक अपर्याप्त रक्त पहुंचाना। ठीक है, हृदय मांसपेशियों तक पर्याप्त मात्रा में रक्त नहीं पहुंचता है उसे कंठशूल कहा जाता है। नेक्स्ट है, एक गंभीर एलर्जी से पीड़ित व्यक्ति को अपने साथ सदैव क्या लेकर चलना चाहिए? तो दोस्तों, एक गंभीर एलर्जी रोग से पीड़ित व्यक्ति है उसको अपने साथ एपीपेन यानी कि एडविन लीन लेकर के चलना चाहिए। नेक्स्ट है, विटामिन बी सिक्स की कमी का क्या प्रभाव है? तो दोस्तों, विटामिन बी सिक्स की कमी का प्रभाव होता है एक्जिमा के कुछ प्रकार यानी कि विटामिन बी सिक्स का वैज्ञानिक नाम है पाइरिडॉक्सिन, जो एक सामान्य वयस्क पुरुष के लिए प्रतिदिन 2 माइक्रोग्राम व महिला को 2.5 माइक्रोग्राम पाइरिडॉक्सिन अपने भोजन में लेना चाहिए। और विटामिन बी सिक्स की कमी से एनीमिया हो जाता है यानी शारीरिक वृद्धि रुक जाती है। और विटामिन बी ट्वेल्व के कारण भी होता है एनीमिया यानी परनीसस एनीमिया। ठीक है, दोनों में अंतर है। नेक्स्ट दोस्तों, वेरिवेला विषाणु को किस रोग के कारक के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों, विषाणु यानी वायरस, वेरिवेला वायरस जो होता है वो उससे कौन सा रोग होता है? तो उससे स्मॉल पॉक्स यानी चेचक रोग होता है। छोटी माता यहाँ नहीं रहेगा। देखिए दोस्तों, चेचक यानी कि स्मॉल पॉक्स और आपका छोटी माता यानी चिकन पॉक्स, दोनों में अंतर है। यानी कि जो चेचक यानी स्मॉल पॉक्स होता है वो वेरिवेला वायरस से होता है, छोटी माता यानी चिकन पॉक्स जो होता है वेरिसेला वायरस से होता है। यहाँ पे छोटी माता नहीं होगा, यहाँ पे होगा आपका, यहाँ पे छोटी माता नहीं होगा, क्या होगा आपका, यहाँ पे वेरिवेला दिया है तो इसलिए यहाँ पे चेचक यानी स्मॉल पॉक्स होगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मानव में हैजा मुख्यतः किस अंग को प्रभावित करता है? तो दोस्तों, जो हैजा होता है वह बैक्टीरिया से फैलता है। हैजा यानी कॉलेरा, जो विब्रियो कॉलेरी नामक बैक्टीरिया से फैलता है। और हैजा जो है आंत व आहार नाल को प्रभावित करता है, छोटी आंत को, आंत और आहार नाल को प्रभावित करता है। इसमें ओमेटिंग एंड दस्त इसके लक्षण हैं। नेक्स्ट है, संक्रामक रोग किसके लिए एक मुख्य नियंत्रक उपाय है? तो दोस्तों, संक्रामक रोगों के लिए टीकाकरण किया जाता है। जैसे कि आपको पता है टीबी के लिए बीसीजी का टीका और बीसीजी टीका की खोज रॉबर्ट कोच ने किया था। और जैसे कि डीबीटी का टीका जो है डिप्थीरिया, काली खांसी एंड टिटनेस के लिए लगाया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, मनुष्य में विटामिन बी वन की कमी से होने वाले रोग का नाम क्या है? तो विटामिन बी वन की कमी से बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है। विटामिन बी वन की कमी से बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है। बी वन को वैज्ञानिक नाम है थायमिन। बी वन में आपका भूख न लगना, स्मरण शक्ति कमजोर होना एंड लकवा, पैरालिसिस, तंत्रिका संस्थान, पेशियां ग्रस्त हो जाती हैं, इसके कमी से बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है। यानी कि चावल को धोने से जो बीवन होता है वो नष्ट हो जाता है, अनाज के छिलके में बीवन पाया जाता है, ये सभी बातें याद रखिएगा। नेक्स्ट है, क्षय रोग में जीवाणु समानता किस अंग पर आक्रमण करते हैं? तो दोस्तों, क्षय रोग कहा जाता है किसको? टीबी को। ठीक है, टीबी यानी तपेदिक, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी क्षय रोग। तो यहाँ पे सभी नामों को आपको याद रखना है। क्षय रोग को तपेदिक या ट्यूबरकुलोसिस या टीबी कहा जाता है। तो इसका प्रभाव ये किस अंग पर आक्रमण करते हैं? तो हमारे फेफड़े पर आक्रमण करते हैं।
जो क्षय रोग यानी टीबी होता है, तपेदिक होता है, या माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से होता है, और जो यह टीबी होता है यह हमारे फेफड़े यानी श्वसन तंत्र को प्रभावित करते हैं, ज्वर, खांसी, थूक में रक्त, ये सभी इसके लक्षण होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि वैंकोमाइसिन क्या है। तो दोस्तों वैंकोमाइसिन एक प्रकार का प्रतिजैविक है। क्या है? प्रतिजैविक है। नेक्स्ट है हैजा की वार्षिक घटनाएं विश्व भर में है। तो विश्व भर में हैजा की वार्षिक जो घटनाएं हैं वह है 3 से 5 मिलियन। नेक्स्ट है किस रोग के उन्मूलन के पश्चात पोलियो को मानव शिकारी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों खसरा जो है, मिजल्स जो है, वह पोलियो को मानव शिकारी के नाम से जाना जाता है। पहला है आपका खसरा, उसके बाद पोलियो को माना जाता है मानव शिकारी के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट है डिप्थीरिया रोग का संबंध किससे है। तो दोस्तों डिप्थीरिया जो है यह वायरस से फैलने वाला रोग है। डिप्थीरिया किससे फैलने वाला रोग है दोस्तों? डिप्थीरिया वायरस से नहीं दोस्तों, सॉरी, यह बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है। डिप्थीरिया को रोहिणी भी बोला जाता है। डिप्थीरिया जो है कोरिने बैक्टीरियम डिप्थेरी नामक जीवाणु यानी बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है। डिप्थीरिया में हमारा श्वास नली जो है वह बाधित हो जाती है, उसमें जाली बन जाती है, कंठ में जाली बन जाती है, ये ज्यादा छोटे बच्चों में होता है, जिसमें तीव्र ज्वर और श्वास में पीड़ा होती है। तो यह हमारे कंठ से संबंधित है, हमारे कंठ से संबंधित है, हमारा कंठ जो है अवरुद्ध हो जाता है, जाली बन जाती है, ठीक है, जिससे हम अच्छे से श्वास नहीं ले पाते। नेक्स्ट है आयोडीन की कमी के कारण होता है। आप सबको पता है गोइटर यानी कि घेंघा रोग हो जाता है, इसमें थायराइड ग्रंथि खराब हो जाती है, थायरॉक्सिन हार्मोन कम उत्पन्न होता है, ठीक है, थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों घेंघा रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से होता है। नेक्स्ट है प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग खासकर बच्चों में हो जाता है? तो दोस्तों वह क्वासियूर्कर होता है। जैसे कि प्रोटीन की कमी से क्वासियूर्कर और मरास्मस रोग होता है। नेक्स्ट दोस्तों बीसीजी का टीका किसके विरुद्ध प्रतिरक्षा उत्पन्न करने के लिए दिया जाता है? तो तपेदिक यानी टीबी के लिए, ट्यूबरकुलोसिस के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है जन्म के तुरंत बाद, या जन्म के तुरंत बाद यदि नहीं लगा पाए तो 1 वर्ष के अंदर लगाना चाहिए, क्योंकि जितना ही लेट करेंगे उसका प्रभाव उतना ही कम होता जाता है। तो बीसीजी की टीका की खोज किया था रॉबर्ट कोच ने, ये भी याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सिफिलिस का कारक अभिकर्मक क्या है? तो दोस्तों जो सिफिलिस होता है वह जीवाणु द्वारा फैलने वाला रोग है। सिफिलिस जो है ट्रेपोनोमा पैलिडम नामक बैक्टीरिया यानी जीवाणु से फैलता है। सिफिलिस जो है मूत्र मार्ग में घाव हो जाता है, ये इसका लक्षण है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी रोग प्रतिकारक किससे निर्मित यौगिक हैं? सभी रोग प्रतिकारक किससे निर्मित यौगिक हैं? तो यह पॉलीपेप्टाइड कड़ी से निर्मित यौगिक हैं। नेक्स्ट है रूमेटिक आर्थराइटिस रोग को कहा जाता है? तो इसको हाइपोकाइनेटिक रोग कहा जाता है, ठीक है, रूमेटिक आर्थराइटिस रोग को हाइपोकाइनेटिक रोग कहा जाता है। नेक्स्ट है हैजा का संबंध किससे है? तो दोस्तों हैजा जो है वह बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है, जीवाणु से संबंधित है, यानी जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है हैजा, ठीक है। हैजा जो है यानी कॉलेरा विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु यानी बैक्टीरिया से फैलता है। नेक्स्ट है संक्रामक रोग वह रोग है जो एक दूसरे से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से छूने से फैलता है, जो बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, एनफेंगल्स आदि से फैलता है। नेक्स्ट है रंग वर्णता यानी कलर ब्लाइंडनेस में व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर पाता है? तो दोस्तों कलर ब्लाइंडनेस यानी कि
रंगवणता रोग विटामिन ए की कमी से होता है, जिसमें लाल व हरे रंग में भेद नहीं कर पाता है। जैसा कि हमारी आंखों में दो कोशिकाएं होती हैं, जिसे रोड सेल एवं कोन सेल कहा जाता है। रोड सेल यानी छड़ कोशिका जो अंधेरे में वस्तुओं के आभास बताती है, यानी अंधेरे और उजाले का अंतर बताता है। जब रोड सेल में रेडॉप्सिन लेयर होती है, तो विटामिन ए की कमी से जब रेडॉप्सिन लेयर खराब हो जाता है तो रात को हमें दिखाई नहीं देता, जिसे रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। और दूसरा सेल होता है कोन सेल, जो हमें वस्तुओं के रंगों में अंतर बताता है कि कौन वस्तु किस रंग का है। यह प्रकाश में एक्टिव रहता है, यानी तीव्र प्रकाश में रंगों को बताता है कौन सेल। और जब कोन सेल खराब हो जाता है तो हमें लाल व हरे रंग को देखने में दिक्कत होता है। यानी कि आपका रोड सेल जो है रात में एक्टिव रहता है, वस्तुओं को आभास दिलाता है, और जो कोन सेल होता है वो प्रकाश में एक्टिव रहता है, प्रकाश में रंगों के देखने का जिम्मेदार होता है। यानी कि रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस में रोड सेल खराब हो जाता है, और कलर ब्लाइंडनेस यानी रंग वरांधता में कोन सेल खराब हो जाता है। नेक्स्ट है हीमोफीलिया क्या है। तो दोस्तों, यह एक प्रकार का विटामिन के की कमी के कारण होता है, जो रक्त का थक्का नहीं जमता है कट जाने के बाद या चोट लगने के बाद। इसे हीमोफीलिया रोग होते हैं कहते हैं, और यह एक अनुवांशिक रोग भी है। नेक्स्ट डिप्थीरिया मुख्य रूप से होता है। तो डिप्थीरिया जिसे कंठमाला भी कहते हैं, यह मुख्य रूप से छोटे बच्चों में होता है। नेक्स्ट है बीसीजी का टीका किस रोग की प्रतिरक्षा के लिए लगाया जाता है। यह टीबी यानी तपेदी यानी ट्यूबरकुलोसिस की प्रतिरक्षा के लिए लगाया जाता है, और इसकी खोज किया था रॉबर्ट कोच ने। नेक्स्ट है मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है। मधुमेह यानी डायबिटीज जो है इंसुलिन की कमी से होता है। नेक्स्ट है एड्स की बीमारी किस सूक्ष्म जीव के द्वारा फैलती है। तो यह विषाणु यानी कि वायरस एचआईवी वायरस के द्वारा फैलता है। नेक्स्ट है एड्स का प्रथमतः कारण क्या होता है। दोस्तों, असुरक्षित संभोग से, यानी इसके तीन कारण होते हैं, असुरक्षित संभोग एंड जो संक्रमित माता है उससे बच्चे में चला जाता है जब, ठीक है, एंड कोई संक्रमित व्यक्ति है तो उसका रक्त यदि किसी दूसरे को चढ़ा दिया जा रहा है तो उसके, यानी तीन कंडीशन में ही फैलता है। यानी इन तीनों के अलावा कोई भी ऑप्शन दिया रहेगा तो वो आपका रॉन्ग रहेगा। नेक्स्ट है दोस्तों, एड्स का जन्म स्थान कौन सा देश माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, या अफ्रीका के कैलिफोर्निया नामक स्थान पर सबसे पहले इसका केस पाया गया एड्स का। नेक्स्ट है दोस्तों, शारीरिक विकलांगता क्यों होती है। तो शारीरिक विकलांगता जो है हमारे शरीर में पोषण की कमी के कारण होता है, यानी कुपोषण के कारण हमारे शरीर में जो संतुलित आहार बैलेंस डाइट होता है, प्रोटीन की कमी हो जाती है एंड संतुलित आहार की कमी हो जाती है, तो शारीरिक विकलांगता यानी कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। नेक्स्ट है एपिलेप्सी रोग का संबंध किस अंग से है। तो एपिलेप्सी रोग का संबंध किस से है, तो इससे एपिलेप्सी रोग का संबंध है नाड़ी संस्थान से। किससे है, नाड़ी संस्थान से। नेक्स्ट है दोस्तों, लॉक जॉ किस रोग की अंतिम अवस्था है। तो लॉक जॉ टिटनेस की अंतिम अवस्था है। तो टिटनेस को लाग जा या धनुष टंकार रोग भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें सभी शरीर जो है ऐड जाता है। तो जो टिटनेस है या धनुष टंकार या लाग जा है, यह क्लास्टिड्रियम टिटेनी नामक बैक्टीरिया से फैलता है। जो टिटनेस होता है या तंत्रिका तंत्र हमारी पेशियों को प्रभावित करता है, और शरीर में झटका और बेहोशी जैसे लक्षण होते हैं। नेक्स्ट है पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो हमारा यकृत यानी लीवर को प्रभावित होता है। नेक्स्ट है चेचक के टीके की खोज किसने किया था। तो चेचक के टीके की खोज किया था एडवर्ड जेनर ने। किसने किया था, एडवर्ड जेनर ने। नेक्स्ट है ट्रैकोमा रोग किस अंग से संबंधित है। तो हमारी आंखों में होता है ट्रैकोमा रोग। नेक्स्ट है रेबीज या हाइड्रोफोबिया रोग होता है।
तो दोस्तों रेबीज या हाइड्रोफोबिया रोग वायरस से होता है। रेबीज या हाइड्रोफोबिया रोग किससे होता है? वायरस से होता है। रेबीज को अलग रोग भी कहा जाता है। यह रेबडो वायरस से फैलता है। रेबीज जो है हमारे तंत्रिका तंतु को प्रभावित करता है और यह रेबीज एक ऐसा रोग है जिसे पानी से डर लगता है, ज्वर, श्वास लेने में परेशानी आदि इसके लक्षण है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस रोग में पानी से डर लगता है? तो रेबीज में। रेबीज या अलर्क रोग या हाइड्रोफोबिया इसको आदि नामों से जाना जाता है। यह वायरस से फैलने वाला रोग है जो मुख्यतः पागल कुत्ते के काटने से फैलता है। इसके अतिरिक्त यह चमगादड़, लोमड़ी आदि संक्रमित स्तनधारियों के काटने से भी फैलता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि संक्रमित स्तनधारियों के काटने से कौन सा रोग फैलता है? तो वह होता है रेबीज या हाइड्रोफोबिया। ठीक है, यह हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को संक्रमित करता है और इलाज न होने पर रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। नेक्स्ट है, हेपेटाइटिस बी वायरस किस रोग हेतु जिम्मेदार है? तो जितने भी हेपेटाइटिस हैं, यह हेपेटाइटिस बी वायरस जो है वह एड्स रोग के लिए भी जिम्मेदार है। तो दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन हमको डाउट लग रहा है, लेकिन यहाँ पे दिया है कि हेपेटाइटिस बी वायरस किस रोग के हेतु जिम्मेदार है? तो एड्स के लिए। ठीक है, इसको बाद में सर्च किया जाएगा, मैं इसको क्लियर कर दूंगी। नेक्स्ट है, डेंगू ज्वर किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों मलेरिया, डेंगू, ये दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से फैलता है, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से, जबकि डेंगू जो है वह वायरस से फैलता है। किससे फैलता है? वायरस यानी विषाणु से फैलता है। डेंगू जो है जिसको हड्डी तोड़ बुखार या बैकबोन फीवर भी कहते हैं, अरबो वायरस से द्वारा फैलता है जो एडीज एरिप्चाई मच्छर के काटने से फैलता है। जो डेंगू होता है इसमें प्लेटलेट्स की शरीर में कमी हो जाती है, और जो मलेरिया होता है शरीर में आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है। नेक्स्ट है, मच्छरों के प्रकार में से कौन डेंगू फैलाता है? तो मच्छरों के काटने से मलेरिया और डेंगू दोनों फैलता है, बट डेंगू जो है एडीज मच्छर के, एडीज एरिप्चाई मच्छर के काटने से फैलता है, जबकि मलेरिया जो है मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। नेक्स्ट है, टाइफाइड किस जीवाणु से होता है? तो दोस्तों टाइफाइड को मियादी बुखार, मोतीझरा, आंत्र ज्वर आदि नामों से जाना जाता है, जो साल्मोनेला टाइफी नामक या एबस्थेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से फैलता है। और टाइफाइड में आंत यानी पाचन तंत्र प्रभावित होता है, ज्वर, दुर्बलता, आंतों में छेद आदि इसके लक्षण हैं। नेक्स्ट है, प्लेग किस जीव से होती है? तो दोस्तों प्लेग जो है वह चूहे से होता है। प्लेग किससे होता है? चूहे से होता है। प्लेग जो है पास्चुरेला पेस्टिस नामक जीवाणु यानी बैक्टीरिया से फैलता है, और प्लेग के कारण जो है जो हमारे आरबीसी और कोख को प्रभावित करती है, जिसमें तीव्र ज्वर इसके लक्षण हैं। नेक्स्ट है, किस अंग के रोगी को डायलिसिस पर रखा जाता है? तो दोस्तों कृत्रिम रूप से रक्त को फिल्टर करने की प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है, जो ब्रिक यानी कि किडनी के रोगी को रखा जाता है। नेक्स्ट है, गोइटर यानी घेंघा नामक रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो यह आयोडीन की कमी से होता है, और इसकी कमी से जो है हमारे शरीर में जो थायराइड ग्रंथि है उससे थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है, जिसके कारण घेंघा यानी कि गोइटर रोग हो जाता है। नेक्स्ट है, डीपीटी का टीका बच्चों के किन किन बीमारियों से बचने के लिए लगाया जाता है? तो डीपीटी यानी डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनेस, डी से डिप्थीरिया, पी से पर्टुसिस यानी काली खांसी, और टी से टिटनेस। तो इससे डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस की बीमारियों से बचने के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है। नेक्स्ट है, एड्स शरीर के किस भाग पर आक्रमण करता है? तो एड्स जो है शरीर के रोग प्रतिरोधक तंत्र पर यानी इम्यून सिस्टम पर आक्रमण करता है। नेक्स्ट है, एमोबियासिस हेतु उत्तरदायी जीवाणु किस प्रकार मानव शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं? तो एमोबियासिस हेतु उत्तरदायी जीवाणु आमने सामने मुंह पड़ने से शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है, मलेरिया के रोगाणु किस जीव में पाए जाते हैं? तो यह मादा एनाफिलीज मच्छर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है,
संक्रमण की वह बीमारी जिसमें त्वचा पर खुजली युक्त गोल गोल धब्बे उभर आते हैं क्या कहलाती है? यह दाद यानी कि रिंग वार्म कहलाते हैं, जो प्रोटोजोआ जो फंगल डिजीज होता है, क्या होता है? जो फंगल डिजीज होता है यानी कि कवक द्वारा फैलने वाला होता है, जो माइक्रो स्पोर मलेन पेंशन या ट्राइकोफाइटा नामक फंगल से होता है, जो हमारे त्वचा को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है खांसी, वजन में कमी, बुखार जैसे लक्षण किसमें होते हैं? यह हमारे टीवी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस या तपेदिक यानी क्षय रोग में होता है। नेक्स्ट है टिटनेस से सुरक्षा प्रदान करता है, तो टिटनेस से सुरक्षा प्रदान करने के लिए टिटनेस टॉक्साइड नामक इंजेक्शन लगाया जाता है। तो टिटनेस टॉक्साइड जो है वह टिटनेस से सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट है ब्लड शुगर के लिए उपयुक्त व्यायाम क्या है? तो दोस्तों ब्लड शुगर के लिए उपयुक्त व्यायाम टहलना यानी वॉकिंग है। नेक्स्ट है लेप्रोसी होती है, कुष्ठ रोग लेप्रोसी जो है वो बैक्टीरिया के कारण होती है। कुष्ठ रोग लेप्रोसी जो है किसके कारण होती है? बैक्टीरिया के कारण होती है, जिसे हेंसेस डिजीज भी कहा जाता है, जो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नामक बैक्टीरिया से होता है। अकुष्ठ रोग में त्वचा तंत्रिका तंत्र म्यूकस मेम्ब्रेन प्रभावित होती है, जिसमें गांठ बन जाना, हाथ पैर की उंगलियों के उत्तकों का नष्ट होना आदि इसके लक्षण होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों मधुमेह किसमें खराबी के कारण होता है? आप सबको पता है पैंक्रियाज यानी कि अग्नाशय से इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है, जिसकी कमी से मधुमेह या डायबिटीज हो जाता है। नेक्स्ट है पृष्ठशूल यानी बैक एक एक प्रकार का विकार है, यह एक कटी क्षेत्र यानी कमर वाले क्षेत्र का एक प्रकार का विकार है। नेक्स्ट है किस रोग से पैर सूजकर मोटे हो जाते हैं? वह रोग होता है फाइलेरिया। कौन सा रोग होता है? फाइलेरिया में पैर सूजकर जो है वो मोटे हो जाते हैं। फाइलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ जनित रोग है, ठीक है। कालाजार, अमीबी पेचिस, पायरिया, निद्रा रोग यानी स्लीपिंग सिकनेस, नारू रोग, मलेरिया, पेजिस यानी डिसेंटरी, फाइलेरिया, टाइप 1, ये सभी प्रोटोजोआ यानी परजीवी से फैलने वाले रोग हैं। नेक्स्ट है जॉन्डिस रोग में सर्वाधिक लाभकारी रस क्या है? तो दोस्तों जॉन्डिस यानी पीलिया में सबसे लाभकारी रस होता है गन्ने का रस। नेक्स्ट है चेचक, छोटी माता, तपेदिक यानी टीबी आदि किस माध्यम से फैलने वाले संक्रामक रोग हैं? तो दोस्तों यह वायु द्वारा फैलने वाले संक्रामक रोग है, जिसमें से चेचक, छोटी माता दोनों वायरस से फैलने वाला रोग है और तपेदिक यानी कि जो टीबी होता है वो बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है, लेकिन सभी वायु के द्वारा फैलते हैं। नेक्स्ट है केवल रोग और विकृति की छुट्टी नहीं बल्कि संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक हित ही स्वास्थ्य है, यह किसकी परिभाषा है? यह स्वास्थ्य की परिभाषा है। इस परिभाषा को दिया था WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। नेक्स्ट है सामान्यतः एलिजा तथा वेस्टर्न ब्लड टेस्ट किस रोग का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो यह HIV यानी कि एड्स रोग का पता लगाने के लिए दो टेस्ट किया जाता है, एलिसा और वेस्टर्न ब्लड टेस्ट। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी डाउट नहीं रहेगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, आधे पर स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आधे पर आप चले जाएंगे स्किप कर करके तो यही कारण होता है एग्जाम न निकलने का। नेक्स्ट है दोस्तों जब शरीर बैक्टीरिया का आक्रमण झेल रहा होता है तो किसके बढ़ जाने की संभावना होती है? तो दोस्तों बैक्टीरिया के आक्रमण से कौन रोकता है? WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स जो है हमारे शरीर को बैक्टीरिया से संक्रमण से बचाता है, और इस कंडीशन में जब बैक्टीरिया आक्रमण झेल रहा होता है तो हमारे शरीर में ल्यूकोसाइट की मात्रा बढ़ जाती है। नेक्स्ट है शरीर के किस अंग में पायरिया संबंधित है? तो पायरिया हमारे दांतों में होता है, याद रखिएगा, छोटे छोटे पॉइंट को याद रखना आपको जरूरी है, क्योंकि एक एक नंबर महत्वपूर्ण होता है। पायरिया हमारे दांतों से संबंधित है, सब लोग जानते हैं, लेकिन पायरिया किससे फैलता है? बैक्टीरिया, वायरस, फंगल्स एंड प्रोटोजोआ किससे फैलता है? तो पायरिया जो है वह प्रोटोजोआ यानी कि परजीवी से फैलने वाला रोग है, और पायरिया जो है एंड अमीबा जिंजिवेलिस नामक परजीवी के द्वारा फैलता है, जो हमारे मसूड़ों को प्रभावित करता है, मसूड़ों से रक्त आता है। नेक्स्ट दोस्तों सिफिलिस के क्या कारण है?
तो दोस्तों जो सिफिलिस होता है वह बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है जो ट्रेपोनोमा पैलिडम नामक बैक्टीरिया से फैलता है। नेक्स्ट है टाइफाइड की उद्भवन अवधि क्या है। टाइफाइड यानी कि म्यादी बुखार, मोती झरा, आत्रज्वर आदि नामों से जाना जाता है। और टाइफाइड जो है साल्मोनेला टाइफी या एबिस्थेला टाइफी नामक बैक्टीरिया ने जीवाणु से फैलता है, जिसका उद्भवन काल अवधि जो है 1 से 2 सप्ताह तक होता है। नेक्स्ट है कैंसर एक रोग है जिसमें एक असामान्य रूप से कोशिका क्या होता है बढ़ता है और शरीर के अन्य भागों में फैलता है। दोस्तों जैसे कभी कभी क्या होता है अनकंडीशन्ड रूप से अधिक मात्रा में एक ही जगह पर बहुत सारी कोशिका विभाजन होने लगता है। बहुत सारे कोशिका के विभाजन होने से असामान्य रूप से कोशिका का विभाजन होने से शरीर में चारों तरफ बढ़ने लगता है और अन्य भागों में फैलता है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसी को कैंसर कहते हैं। नेक्स्ट है H1N1 कौन से रोग जनक का परिवर्तित रूप है। तो यह इन्फ्लुएंजा ए का परिवर्तित रूप है H1N1। नेक्स्ट है दोस्तों कि एड्स के इनक्यूबेशन पीरियड या संक्रमण के बाद की अवधि जिसके दौरान विषाणु रोग पैदा नहीं करता है वह कितना है। तो 8 से 10 साल लगातार हो गया तो उसके बाद यह संक्रमण पैदा नहीं करता है। नेक्स्ट है मधुमेह एक गैर संक्रामक रोग है जो तब होता है जब आग्नाशय क्या हो जाता है, आग्नाशय से निकलने वाला इंसुलिन बनना, आग्नाशय में इंसुलिन बनना बंद कर देता है या बहुत कम इंसुलिन बनता है, तब क्या हो जाता है मधुमेह एक नामक एक गैर संक्रामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट है किस हेपेटाइटिस बीमारी का वायरस सीधे संपर्क से उत्पन्न होता है। तो डायरेक्ट संपर्क से उत्पन्न होता है हेपेटाइटिस ए, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लैट फीट का संबंध किस यंत्र से मापा जाता है। फ्लैट फुट यानी चपटा पांव, जो हमारा तलवा होता है ये चपटा होता है, उसमें कोई वक्र नहीं बनता, कर्व नहीं बनता, उसे फ्लैट फुट कहा जाता है, जिसे पैडोग्राफ से मापा जाता है। फ्लैट फुट या प्लेस प्लेनस बोला जाता है। नेक्स्ट है मेरुदंड के एक तरफा मोड़ को क्या कहा जाता है। तो मैंने कई बार बताया है लेटरल डिविएशन ऑफ स्पाइन यानी कि तिरछा मोड़ को, एक तरफा मोड़ को, जहां पे कंधे एक तरफ और हिप दूसरे तरफ मुड़ जाता है, इसको स्कोलियोसिस बोला जाता है, जो स्कोलियोग्राफ से मापा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है भारत में 2009 में फैलने वाला संक्रामक रोग था। तो दोस्तों 2009 में फैलने वाला संक्रामक रोग था H1N1। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस का प्रकार मंद घातक है। तो हेपेटाइटिस जो है, हेपेटाइटिस ए जो है डायरेक्ट उत्पन्न होता है डायरेक्ट संपर्क से, जब हेपेटाइटिस जो मंद घातक होता है मतलब बहुत कम घातक होता है, उतना घातक नहीं होता, वो होता है हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी जो है वो कम घातक होता है। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंजा यानी सेस्मा ज्वर। इन्फ्लुएंजा जो है वह वायरस से फैलने वाला रोग है। इन्फ्लुएंजा जो है जिसे प्रतिश्याम या सेस्मा ज्वर कहा जाता है, जो मिक्सो या अर्थोमिक्सोवरिडे या अर्थोमिक्सो वायरस से फैलता है। इन्फ्लुएंजा जो श्वसन तंत्र या को प्रभावित करता है, जिसे छींक, त्वचा में खराश, आंख व नाक से द्रव बहना, भूखने लगना आदि इसके लक्षण होते हैं। तो इस किसको प्रभावित करता है, तो श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। नेक्स्ट दोस्तों स्मॉल पॉक्स यानी चेचक किस तंत्र को प्रभावित करता है, जैसे कि दाने निकल आते हैं हमारे शरीर पर स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स दोनों में। तो यहाँ पे श्वसन तंत्र तो नहीं होगा दोस्तों, दोनों में श्वसन तंत्र दिया है इसलिए यह गलत हो जाता है। इसको आप दोनों ढूंढिएगा, क्योंकि हमारे त्वचा को प्रभावित करता है, श्वसन तंत्र को नहीं प्रभावित करता मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, क्योंकि इसी बुक में गलत दिया है। नेक्स्ट है डिप्थीरिया यानी कंठ रोहड़ी, इसे कंठमाला भी कहते हैं, हमारा कंठ में जाली बन जाता है, किस तंत्र को प्रभावित करता है। तो जो डिप्थीरिया होता है यह श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, फेफड़ों को प्रभावित करता है, ठीक है। डिप्थीरिया जो है, और डिप्थीरिया जो कोरिनो बैक्टीरियम डिप्थेरी बैक्टीरिया से फैलता है। नेक्स्ट है वूपिंग कॉग कुकुर खांसी किस तंत्र को प्रभावित करता है। तो यह भी क्या है, श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। वूपिंग कॉग
जो है श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है मेनिनजाइटिस यानी दिमागी बुखार जिसे कहते हैं। इस प्रकार दिमागी बुखार यानी मेनिनजाइटिस नामक बीमारी किस तंत्र को प्रभावित करता है? यह हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी तपेदिक जिसे क्षय रोग भी कहा जाता है किस तंत्र को प्रभावित करता है? यह श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है येलो फीवर यानी पीला ज्वर किससे फैलता है? तो यह वायरस से फैलता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि काला ज्वर मेनिनजाइटिस के पैरासिटिक प्रोटोजोआ को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे लेसीमिया मीना डोनोवानी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है फाइलेरिया किस पैरासाइट से फैलता है? तो यह जो फाइलेरिया होता है नेमाटोड वार्म से फैलता है, यह प्रोटोजोआ से फैलता है, नेमाटोड वार्म प्रोटोजोआ से फैलता है। नेक्स्ट है टाइफाइड यानी मोतीझरा नामक बीमारी किस तंत्र को प्रभावित करता है? तो दोस्तों टाइफाइड जिसे आंत्र ज्वर या मोतीझरा कहते हैं हमारे आंतों को यानी पाचन तंत्र को प्रभावित करता है। नेक्स्ट टाइफाइड के फैलने वाला वाहक कौन होता है? तो यह दूषित भोजन और पानी के द्वारा फैलता है और बैक्टीरिया के द्वारा। नेक्स्ट टिटनेस किससे फैलता है? तो टिटनेस जो है बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है जो उसे धनुष्टंकार या लॉकजॉ कहते हैं। टिटनेस क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी नामक बैक्टीरिया से फैलता है। नेक्स्ट है टिटनेस के बैक्टीरिया का क्या नाम है? तो क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी नाम है। नेक्स्ट है एसटीडी यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। एसटीडी का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। नेक्स्ट है पिंटा नामक बीमारी किसके अंतर्गत आती है? यह श्वसन तंत्र के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है गोनोरिया किससे फैलता है? तो गोनोरिया रोग जो होता है दोस्तों गोनोरिया रोग जो होता है वह किससे फैलता है? तो यह बैक्टीरिया से फैलता है। किससे फैलता है? बैक्टीरिया से फैलता है। नाइसेरिया गोनोवारी गोनोरिया जिसे सुराग भी बोलते हैं। बैक्टीरिया वायरस प्रोटोजोआ फंगल सभी से फैलने वाले रोगों का मैंने हेल्थ एजुकेशन वाले प्लेलिस्ट टॉपिक में जाइए थ्री सेशन में एंड हेल्थ एजुकेशन वाले प्लेलिस्ट में जाइए जिसमें सभी का ट्रिक के साथ मैंने थ्री सेशन में पढ़ाया हुआ है। नेक्स्ट है सिफिलिस किससे फैलता है? तो यह भी आपका बैक्टीरिया से ही फैलता है। जो एसटीडी गोनोरिया और सिफिलिस दोनों एसटीडी यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है प्लेग के बैक्टीरिया का क्या नाम है? तो दोस्तों प्लेग के बैक्टीरिया का नाम है जो चूहों के काटने से फैलता है एक पेस्टुरोला पेस्टिस नामक बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। नेक्स्ट है हर्पीस किस वायरस से फैलता है? तो दोस्तों हर्पीस जो है वह डीएनए हर्पीस वायरस से फैलता है। तो यह एडिनो वायरस से फैलता है। हर्पीस किससे फैलता है? वायरस से फैलने वाला रोग है। यह एडिनो वायरस से फैलता है। यह त्वचा श्लेष्मा कला को प्रभावित करता है। इसमें ज्वर फोड़े फुंसी चमड़ी में जलन आदि होता है। नेक्स्ट है हालोबैक नामक विकृति को किस नाम से जाना जाता है? इसको लार्डोसिस बोला जाता है। दोस्तों जो हमारा पीठ वाला भाग जो वक्ष वाला भाग होता है पीछे की तरफ निकल जाता है उसको कुबड़ा या काइफोसिस बोला जाता है। जब हमारा कमर वाला भाग अंदर की तरफ धस जाता है उसको हालोबैक या लार्डोसिस कहा जाता है। नेक्स्ट उस विकृति को क्या कहते हैं जिसमें अस्थि पीठ जो है अंदर की तरफ घुस जाती है और पेट बाहर की तरफ यानी कि कमर जो है अंदर की तरफ हो जाता है और पीठ बाहर की तरफ इसको लार्डोसिस बोला जाता है। और जब पीठ बाहर की तरफ आएगी तो उसको कुबड़ यानी काइफोसिस कहा जाता है। नेक्स्ट है उस विकृति को क्या कहते हैं जिसे पीठ बाहर की तरफ निकल जाता है यानी गोलाकार गोल कमर जिसे बोला जाता है उसे काइफोसिस बोला जाता है। नेक्स्ट है वह कौन सी विकृति होती है जिसमें रीढ़ की हड्डी एक तरफ मुड़ जाती है और कंधा दूसरी तरफ उसको स्कोलियोसिस बोला जाता है। नेक्स्ट उस विकृति का नाम बताइए जिसमें किसी व्यक्ति के साधारण मुद्रा में खड़े होने पर घुटने आपस में मिलते हैं तो यानी जेनु वर्गम हो उसे हम क्या कहते हैं नॉकनी। जब घुटने आपस में मिलते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं जेनु वर्गम या नॉकनी बोला जाता है। क्वेश्चन भर भर के पूछा जाता है इससे। एंड नेक्स्ट है साधारण की स्थिति पर खड़े होने पर घुटने काफी बाहर निकलते हैं
इसे विकृति को यानी वर्म को क्या कहते हैं, तो इसे बाउल लेग कहा जाता है। याद रखिएगा, घुटने का सटने को जब खड़े होंगे तो घुटने सटने को टकराएंगे तो उसके नॉकनी या जेनु वलगम बोला जाएगा। जब घुटने बाहर की तरफ ओ की आकृति बनाती है तो वहां पे उसको जेनु वरम या बाउल लेग बोला जाएगा। नेक्स्ट है पैरों के तलवे यानी तलवे के चपटे। पैरों के तलवे के चपटे यानी पेस प्लेनस होने के क्या कारण है, तो यह फ्लैट फुट उसका कारण होता है। एंड पेस कैवस किसे कहते हैं, तो क्ले फुट को कहते हैं। दोस्तों एक फ्लैट फुट जो हमारा पैरों का जो तलवा होता है उसमें कोई वक्र नहीं बनता है, एकदम सपाट समतल होता है, तो उसे फ्लैट फुट या पेस प्लेनस बोलते हैं। जब उसमें पैरों के तलवे बहुत ज्यादा वक्र बन जाता है एकदम गाय के खुर की तरह, तो उस कंडीशन को हम क्ले फुट या पेस कैवस कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे रोगों से रिलेटेड क्वेश्चन समाप्त होता है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है अनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स के, ठीक है। एंड अनुवांशिकी के पिता आपको पता है ग्रेगर जॉन मेंडल है। तो बच्चों का लिंग निर्धारण किससे होता है दोस्तों, तो पिता के गुणसूत्रों के द्वारा होता है। पुरुषों में एक्स वाई और महिलाओं में एक्स एक्स गुणसूत्र होता है, आपको पता है। नेक्स्ट अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए का पूरा नाम क्या है, तो दोस्तों इसका पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए से जिन का निर्माण होता है, जिन जो क्या होता है, ये अनुवांशिक लक्षणों का वाहक होता है, अनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करता है। नेक्स्ट है मानव में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है, दोस्तों 23 जोड़ी होती है जिसमें 22 जोड़े एक समान होती है और 23वां जोड़ी लिंग निर्धारण में काम आता है। नेक्स्ट जो अनुवांशिक विशेषता है रक्त वर्ग, त्वचा के रंग, बाल, मानसिक दशा आदि का निर्धारण करती हैं, वे कोशिकाओं के अंदर मौजूद कतिपय सूक्ष्म कणों द्वारा नियंत्रित होती हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, तो इसे जीन कहा जाता है। याद रखिएगा अनुवांशिक लक्षणों का वाहक होता है जीन। नेक्स्ट है कौशल सीखने की योग्यता पर व्यक्तिगत भिन्नताएं किसके द्वारा प्रभावित होती हैं, तो यह अनुवांशिकता और वातावरण के द्वारा यानी हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट के द्वारा जो व्यक्तिगत भिन्नताएं इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं वह होती हैं अनुवांशिकता और वातावरण के कारण। नेक्स्ट है किस अनुवांशिक में मानव के मानसिक शारीरिक बौद्धिक और सामाजिक सील गुण और प्रवृत्तियां बड़े होने पर प्रदर्शित होती हैं, उसे कहा जाता है जाइगोट। नेक्स्ट है पर पुरुषों में शराब के लंबे समय तक इस्तेमाल का यौन गतिविधियों पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो वह काम उत्तेजना को रोकता है। नेक्स्ट है विकास का वह कौन सा चरण है जहां तक बच्चा बच्ची शारीरिक कौशल और मानसिक परिपक्वता में लगभग बराबर होते हैं, वह होता है लेटर चाइल्डहुड यानी बचपन के बाद वाला अवस्था जो होता है। नेक्स्ट है औसतन 40 वर्ष की उम्र में होने वाली अंतिम महावारी चक्र को क्या कहा जाता है, तो उसको मेनोपॉज बोला जाता है, जो अंतिम महावारी चक्र होता है। तो दोस्तों ये था आज के वीडियो में विभिन्न रोगों एंड अनुवांशिकता से रिलेटेड क्वेश्चंस के माध्यम से मैंने सभी डाउट आपके क्लियर किए हैं। आई होप कि आपको सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फिजिकल फिटनेस एंड हेल्थ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।